ज्वाइन कर चुके हैं गिलगित बल्तिस्तान से। ये पूरा ग्रुप हमारे पास आया है, इनका मैं तारुफ करवाती चलूं। और आज हमने इनसे बहुत सारी फरमाइशें करी। पंजाब का कल्चर हमने देखा है और हम जो भांगड़ा कल्चर देख देख कर बड़े हुए हैं, लेकिन आज हम जरा इनके म्यूजिक को सुनेंगे, जो इंस्ट्रूमेंट से बजाते हैं उस हवाले से भी इनसे बात करेंगे, और जो इलाकाई इनका रक्स है वो भी देखेंगे। लेकिन उसके लिए मैं तारुफ करवाती चलूं, हमें ज्वाइन किया है जनाब न्याज सुनजाई ने, जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम वेलकम करेंगे। उसके साथ साथ जनाब हमारे साथ इस्लाम हबीब होंगे, उनको भी हम वेलकम करते हैं। ज़िया हाशमी ने हमें ज्वाइन किया है और साबिर अमीन ने भी हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया आपके आने का। और उधर हमारे साथ जनाब मौजूद हैं दीदार हुंजाई, उनको हम वेलकम करेंगे। और शाहिद अली ने हमें ज्वाइन किया। आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद, कैसे हैं आप सब, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया आपके आने का। सबसे पहले तो न्याज हुंजाई साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बेसिकली हम आज गिलगित बल्तिस्तान के जो सकाफत है उसको देखेंगे म्यूजिक की शक्ल में, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड या इस हवाले से हमें बताएं। थैंक यू आप लोगों का यहाँ पे इनवाइट करने का, स्पेशली दुनिया न्यूज़ का मैं थैंक्स कहना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो म्यूजिक है बहुत ज़्यादा अहमियत है हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, इवन शादियों में या कुछ भी प्रोग्राम्स में खुशी के मौके पर अगर हम म्यूजिक ना बजाएं या शादियों में म्यूजिक प्ले ना करें तो फिर मज़ा नहीं आता। तो सबसे अहम है हमारे उधर म्यूजिक, और बहुत से लोग सीखते भी है, बहुत ज़्यादा अहमियत है हमारे गिलगित बल्तिस्तान का म्यूजिक में, और सबसे डिफरेंट है, सही ना, बहुत डिफरेंट म्यूजिक है। अच्छा, आज जो जो उनसे इंस्ट्रूमेंट आप बजाने वाले, इसके हवाले आपके हाथ में तो रुबाब है ये? जी ये रुबाब है, ठीक है। और ये क्या है? ये दामल कहते हैं, दामल, हाँ, इंग्लिश में केटल ड्रम्स। केटल ड्रम्स, ओके, परफेक्ट परफेक्ट। ये डडंग है, डडंग है, बस आप ड्रम आप कह सकते हैं, ठीक हो गया। और ये जो आगे पड़ा हुआ, यहाँ पे एक पड़ा हुआ वो ड्रिगेनी है। अच्छा, ड्रिगेनी, ड्रिगेनी, लवली बलिस्तान का एक इंस्ट्रूमेंट है, जबरदस्त। अच्छा, तो अभी आप हमें क्या सुनाने वाले हैं? सबसे पहले एक हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर खूबसूरती, बहुत सिर्फ देखने में खूबसूरती तो नहीं है, आप गिलगित बल्तिस्तान के आप अंदर आएंगे तो बहुत से लैंग्वेजेस हैं। अच्छा, छह लैंग्वेजेस है, और वो छह लैंग्वेजेस आप इस तरह समझ ले आपको एक दूसरे के लैंग्वेज समझ में नहीं आए। अच्छा, इतना डिफरेंस है तो, जी जी, लैंग्वेजेस में, कल्चर्स में भी, लेकिन हम है गिलगित बल्तिस्तान एक है, हम अपने आप को एक ही कहते हैं, चाहे जबानें मुख्तलिफ जबानें हैं, बिल्कुल हम एक हैं। तो अभी आज हमारे छह लैंग्वेजेस हैं, उसमें इस्लाम हबीब मेरा छोटा भाई है, तो वो आपको पूरे जो छह लैंग्वेजेस है उसमें आपको एक मैशअप हमने बनाया है, वो आपको सुनाएगा। अरे, छह जुबानों का मैशअप आज हम सुनने वाले हैं जनाब, जबरदस्त। जल्दी से शुरू करते हैं। Thank you.
जबरदस्त जनाब, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, इतनी वो कह रहे ना सूदिंग सी आवाज है इस रुबाब और इस फ्लूट की, बहुत मजेदार। अच्छा ये जो डाइवर्सिटी आपने बताया 6 जबाने हैं, लेकिन आपने चूंकि मैशअप भी सुनाया, हर सकाफत के अलग तरीकाकार भी होता है या जो हर जबान है उसके अलग होता है या एक ही आप उस पर रहते हैं? कल्चर थोड़े से डिफरेंट, थोड़े से डिफरेंट इलाके की, इलाके जो इलाके की वजह से ना हम सब बिल्कुल मतलब एक ही एक दूसरे को मतलब एक ही घर का समझते हैं, सही, लेकिन लैंग्वेज डिफरेंट डिफरेंट है, सही। आप 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर आप आगे जाते हैं तो लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट चेंज हो जाता है। तो आप लोग सब एक दूसरे की जबानें समझते हैं? नहीं समझते भी वहाँ पे ज्यादा, आपको पता है एजुकेटेड है बहुत सारे, कोई इंग्लिश में भी बात करते हैं आपस में, या ज्यादा उर्दू भी वहाँ चलती है। अगर मैं गिलगित जाते हैं हम लोग वहाँ पे शना जुबान बोलते हैं, अगर उनको बुरुशस की नहीं आती तो हम आपस में शना में वो उर्दू में भी उर्दू में बात कर लेते हैं। लेकिन हाँ ये एक अच्छा खूबसूरती है वहाँ पे, बिल्कुल लैंग्वेज डिफरेंट है तो हम आपस में भी बड़ा मजे करते हैं एक दूसरे के साथ कल्चर। जबरदस्त जनाब, हमारे पास ये सब लोग मौजूद हैं, इनसे हम और भी फरमाइश करने वाले हैं और इनसे इनका कल्चर, इनका जो कहले फोक म्यूजिक है वो हम सुन रहे हैं। लेकिन अभी वक्त है एक ब्रेक का, आप हमारे साथ ही रहिए और देखते रहिए जागो लाहौर।